हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोरस लैब के बारे में। ये स्टॉक में काफ़ी एक करेक्शन आ चुका है, हेल्दी करेक्शन। अभी का टाइम पे स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है तो इस टाइम पे होल्ड करके चल सकते हैं या तो फिर सेल करके निकल जाना चाहिए। ये जो अभी जैसे ब्रेकआउट वगैरह, अभी जैसे बॉटम, ये जो लेवल है, इसका क्या है मतलब, ये बॉटम यहाँ पे बन चुका है या तो फिर से और गिर के नीचे आ सकता है, इसके बारे में भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नया है, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, उसके साथ में बेल बटन भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक है, अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक में करेक्शन चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो आप यहाँ पे आके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा स्टॉक है तो ठीक है, आपको कौन सा लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, यहाँ से एक बढ़िया सा एनालिसिस मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर हम देखते हैं लोरस लैब के बारे में, ये एक मिड कैप स्टॉक है, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर हम आरओसी देखेंगे, 39 का आरओसी है, ठीक है। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे, यहाँ पे है 724 का ऑल टाइम हाई है। अभी जो करेंट लेवल पे चल रहा है, 513 के पास में चल रहा है। स्टॉक में एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है, ठीक है। जहाँ तक का हम बात करेंगे, ये स्टॉक में 30% का करेक्शन भी हो चुका है। अगर हम डेट की बात करेंगे, यहाँ पे 0.59% का डेट है और प्रमोटर का होल्डिंग देखेंगे तो 23% का होल्डिंग है। और प्रमोटर का होल्डिंग में कुछ चीज़ छुपा हुआ है, वो भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी देखिए, अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, यहाँ पे सितंबर में 1,139 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, अभी सितंबर में 1,203 करोड़ का सेल्स है। सेल्स में इतना बड़ा सा ग्रोथ, मतलब ग्रोथ नज़र नहीं आया है, मतलब फ्लैट है। अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे 242 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और यहाँ पे 202 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में बिल्कुल डिक्लाइन जो भी है नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर की भी बात करेंगे, यहाँ पे 1,013 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। जहाँ पे हम सेल्स की बात करेंगे, 5,182 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है। तो कंपनी ने काफ़ी सालों से बहुत बढ़िया सा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। जहाँ पे अगर हम 2014 की बात करेंगे, यहाँ पे 1,160 करोड़ का सेल्स था, सेल्स अभी 5,182 करोड़ का सेल्स हो चुका है। सेल्स में भी बहुत बढ़िया सा ग्रोथ नज़र आ रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पे 97 करोड़ से नेट प्रॉफिट अभी 1,013 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया, तभी स्टॉक प्राइस ने बढ़िया सा मूवमेंट दिखाया है। अगर हम रिजर्व की बात करेंगे, यहाँ पे 281 करोड़ का रिजर्व जो कि यहाँ पे मार्च 2014 को था, अगर हम अभी की बात करेंगे, यहाँ पे रिजर्व 2,892 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व तो बहुत बढ़िया सा ग्रोइंग होते जा रहा है। अगर यहाँ पे बोरोइंग की बात करेंगे, यहाँ पे बोरोइंग है, बोरोइंग भी ग्रोइंग हो रहा है। अगर हम देखेंगे, लास्ट क्वार्टर में 1,482 करोड़ का बोरोइंग था, यहाँ पे बोरोइंग थोड़ा सा राइज हुआ है, यहाँ पे 1,765 करोड़ का बोरोइंग हो चुका है। अगर हम इस हिसाब से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 32% का था, उसके बाद में अभी 27% का शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में है। अगर हम एफआई के पास में देखेंगे, एफआई यहाँ पे है, उनके पास में 20% का था, यहाँ पे 22.82% का प्रमोटर, सॉरी, एफआई के पास में हो चुका है। तो मतलब एफआई यहाँ पे खरीदारी करते जा रहे हैं। डीआई के पास में 4.8% का है, पब्लिक के पास में ज़्यादा परसेंटेज है, 45% का पब्लिक के पास में यहाँ पे है। यहाँ पे अगर 5% निकाल दें तो यहाँ पे 40% रिटेल पब्लिक के पास में स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेक्निकल के ऊपर आके फ्रेंड्स, टेक्निकल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में एक काफ़ी दिन से बियरिश पैटर्न बना हुआ था, काफ़ी दिन से स्टॉक में काफ़ी गिरावट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज को यहाँ पे स्टॉक ज़बरदस्त तोड़ा था यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी यहाँ पे 100 डे का मूविंग एवरेज को जैसे ब्रेक किया, इमिडिएटली यहाँ पे बहुत बड़ा सा फॉल आ चुका था। यहाँ पे देखिए कितना परसेंटेज का इमिडिएटली यहाँ पे फॉल आया, ओनली 3-4 कैंडल में बहुत बड़ा सा फॉल आया था। उसके बाद में जब देखेंगे तो उसके बाद में भी लगातार फॉल होते जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लो लगाया, यहाँ पे 452 के पास में लो लगाने के बाद में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 200 डे का मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। अगर हम जहाँ तक का बात करेंगे स्टॉक का, मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक का बॉटम बन चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक बार बॉटम, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, तो इसी लेवल पे आके स्टॉक संभल गया है, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके स्टॉक ने फिर से यहाँ पे रिवर्सल ले चुका है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल ले चुका है स्टॉक, ठीक है। अगर आपको इसमें पोजीशन बनाना है या तो फिर आपका पोर्टफोलियो में है, होल्डिंग में है, तो फिर आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है,
स्टॉक अभी भी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक में, अभी तक कोई नेगेटिविटी नजर नहीं आ रहा है। अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यहाँ पे स्टॉक ने बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिखाया है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की जहाँ तक बात करेंगे, यहाँ पे 5 ईयर्स में 49% का CAGR के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स ग्रोथ की, सेल्स ग्रोथ भी 22% का ग्रोथ दिखाया है CAGR के हिसाब से, तो बढ़िया सा ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक ने भी मल्टी वेगा रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में देखिए 89% का CAGR रिटर्न दिया है फ्रेंड्स ये स्टॉक। तो अभी भी ये मल्टी वेगर स्टॉक है, अभी आपको पैनिक में सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ऑलरेडी जहाँ तक बटन तो बन चुका है ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, ये स्टॉक मार्केट है ठीक है। ऐसा भी हो सकता है फिर से और एक बार रिटेस्ट भी कर सकता है ये लेवल को, अगर ये स्टॉक यहाँ तक फिर भी एक बार रिटेस्ट करता है, क्योंकि आज के दिन में बेयरिश कैंडल बना है स्टॉक में ठीक है। आज के दिन में एक बेयरिश कैंडल बना है, अगर स्टॉक आपको मिलता है फिर से इसी लेवल पे 470 के लेवल पे, अगर इस स्टॉक में आप इमिडिएटली पोजीशन बना के चलेंगे, आपको एक बढ़िया सा गेन मिल सकता है फ्रेंड्स। कहाँ तक का प्रोबेबिलिटी है मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इमिडिएटली ये लेवल आपका अचीव हो सकता है, एक दो हफ्ते में ये लेवल आपका अचीव हो सकता है ठीक है। अगर आप फिर भी 1 मंथ तक होल्ड करेंगे स्टॉक में, आपको 1 मंथ में एक 16% का गेन भी मिल सकता है फ्रेंड्स, बढ़िया सा स्टॉक है। और अगर 1 मंथ के जगह में अगर 2 मंथ्स भी लग जाए कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स, 16% का गेन भी आपको मिल सकता है फ्रेंड्स। जो भी शॉर्ट टर्म का नजरिया रखते हैं ये स्टॉक में पोजीशन बना के चल सकते हैं, उनको 16% का गेन मिल सकता है इमीडिएटली। अगर इसके हम थोड़ा सा अगर नजरिया थोड़ा सा होराइजन थोड़ा सा अगर 6 मंथ्स के लिए लेके चलें अपना पोर्टफोलियो में, तो 6 to 8 मंथ्स में आपको एक 52% का गेन दे सकता है फ्रेंड्स ठीक है। ऑल टाइम हाई तक अगर रखते हैं यहाँ पे 52% का गेन दे सकता है फ्रेंड्स। अगर 52% की जगह में अगर आपको 8-9 मंथ्स भी लग जाए तो कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी स्टॉक के साथ में अगर आपको होल्ड करना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 50% का गेन है, बहुत अच्छा सा पैसा बनता है यहाँ पे। अगर इमीडिएटली पोजिशन बना के चल रहे हैं तो आपको 1 मंथ में 2 मंथ्स में ये टारगेट अचीव हो सकता है, जो कि 16% का गेन है, वो आपका टारगेट रहेगा 595 फर्स्ट टारगेट, और जो सेकेंड टारगेट रहेगा 715 के पास में, जो कि नेक्स्ट टारगेट है ठीक है, ऑल टाइम हाई के पास में नेक्स्ट टारगेट आपका रह सकता है फ्रेंड्स। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, आप प्लानिंग में सेल मत कीजिए, स्टॉक में बहुत अच्छा सा मूवमेंट भी आगे आने वाले दिनों में दिख सकता है ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।